नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गो टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज फ्रेंड्स, मैंने क्योंकि डिस्क्रिप्शन में डाला था कि यहाँ पे PGT हिंदी, TGT हिंदी और UGC NET हिंदी के भी प्रिपरेशन के लिए नोट्स दिए जाएंगे या फिर उसकी तैयारी की जाएगी, तो आज मैं हिंदी का सिलेबस और थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन इस वीडियो में अपलोड कर रही हूँ। और आपके जो फ्रेंड्स हैं या फिर कोई रिलेटिव्स हैं जो TGT, PGT या नेट हिंदी में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इनको ये ज़रूर शेयर करें। अगर किसी की आप हेल्प कर सकते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले सिलेबस देख लेते हैं। इसमें जो हम करेंगे, पहले करेंगे हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का उद्भव, काव्य भाषा के रूप में अवधि का उदय और विकास, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का विकास, साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का उदय और विकास, मानक हिंदी भाषा का वैज्ञानिक विवरण, हिंदी की बोलियां, वर्गीकरण और क्षेत्र, हिंदी की बोलियों का परिचय, नागरी लिपि विकास और मानकीकरण, हिंदी प्रचार के आंदोलन तथा प्रमुख व्यक्ति और संस्थाएं, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। उसके बाद हम दूसरे इसके पार्ट में चलते हैं, वहाँ पर है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें करेंगे हम साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो पद्धतियां हैं वो, मतलब पहले से कैसे, किस तरह से मतलब इतिहास लिखा गया, फिर धीरे धीरे किस तरह से, और आधुनिक इतिहास कैसे लिखा जा रहा है, कौन कौन उसमें राइटर रहे हैं, हिंदी साहित्य लेखन के प्रमुख ग्रंथ, हिंदी साहित्य के प्रमुख पत्र और पत्रिकाएँ, जैसे कवि एक दूसरे को पत्र लिखते थे और जो जो वहाँ पर पत्रिकाएँ और मुख्य समाचार पत्र, जैसे पहला उदंत मार तंड है, इस तरीके से काल विभाजन और नामकरण। उसके बाद हम करेंगे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। भक्तिकाल के अंतर्गत निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, निर्गुण में ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय और सगुण में कृष्ण काव्य और राम काव्य। फिर कबीर जी और बीजक इसके ज्ञानाश्रय कवि रहे हैं, प्रेमाश्रय में जायसी और पद्मावत। सूरदास जी कबीर ने बीजक लिखी है, जायसी ने पद्मावत। सूरदास की जो ग्रंथ है वो है सूरसागर, जो कृष्ण काव्य धारा की है। और रामकृष्ण धारा में तुलसीदास की रामचरितमानस बहुत ही फेमस पुस्तक रही है। इसके बाद आधुनिक काल में हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं, जयशंकर प्रसाद जी, पंत जी, निराला और महादेवी वर्मा। और उसके बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। उसके अलावा हम षठोत्तरी कविता करेंगे, गजल और कुछ आधुनिक कविताएं एवं कवि करेंगे। हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के बारे में भी चर्चा की जाएगी, जिसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण और रेखाचित्र, और अंत में एकांकी आती हैं। उसके बाद फिर सिलेबस में आता है काव्य शास्त्र और आलोचना, जिसमें भरत मुनि का रस सूत्र और उसकी व्याख्या, रस के अवयव, साधारणीकरण का सिद्धांत, अलंकार, रीति, गुण और दोष, मिथक, फैंटेसी, बिंब, प्रतीक तथा कल्पना, और पुरस्कृत कवि और उनकी रचनाएं, जैसे किन किन कवियों को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत। तो ये था सिलेबस, अब करते हैं हम पहले शुरुआत। आज की हिंदी की पहली क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। अब इतिहास से पहले हम इतिहास का तात्पर्य देख लेते हैं। इतिहास का अर्थ होता है कि अतीत के तथ्यों का वर्णन और विश्लेषण जो काल कर्म अनुसार किया गया हो, इतिहास कहलाता है। यानी कि अतीत में, यानी कि पूर्व में जो तथ्यों को एकत्रित करके उनका वर्णन और विश्लेषण किया गया है कालक्रम अनुसार, यानी कि समयानुसार, पहले, फिर उसके बाद और वर्तमान तक, तो उसको क्या कहा जाएगा? इतिहास। इतिहास के प्रति वस्तुपरक दृष्टिकोण, जिसमें तर्कपूर्ण शैली एवं गवेषणात्मक पद्धति का आधार लिया गया हो, उसे वैज्ञानिक रूप प्रदान करता है, जबकि इतिहास के प्रति आत्मपरक दृष्टिकोण एवं ललित शैली उसे कलात्मक रूप देते हैं। इतिहास लेखक के प्रति भारतीय दृष्टिकोण सदैव कैसा रहा है? आदर्शमूलक और आध्यात्मवादी। एक ये क्वेश्चन हो गया, इतिहास लेखक के प्रति भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा है, यानी कि आदर्शमूलक रहा है और अध्यात्मवादी, जिसमें सत्य के साथ शिवम सुद्रम के समन्वय की ओर सदैव हमारा ध्यान केंद्रित रहा है। महाभारत काल में इतिहास को ऐसा पूर्ववर्त माना है जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष
अर्थात पुरुषार्थ चातुष्य का उपदेश देता है। यानी कि हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसमें पुरुषार्थ चातुष्य की बात की गई है, और ये पुरुषार्थ चातुष्य मतलब कि चार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन उपदेशों की बात की गई है। तो पुराण काल महापुरुषों के चरित्रगान को इतिहास के रूप में स्वीकार करता है। अब देखते हैं इसकी अवधारणा क्या रही है इतिहास दर्शन की। भारत के इतिहासकार सत्यशोधन तक सीमित नहीं, वे उन्हें शिवम और सुंदरम का रूप देने का प्रयास करता रहा है। यानी कि सिर्फ इन्होंने शोध ही नहीं किया, बल्कि उसमें शिवम और सुंदरम का रूप भी देने का प्रयास किया है। परिणामतः उसने कला एवं नीति को समाविष्ट कर उसे शुद्ध ऐतिहासिकता से वंचित कर दिया। यानी कि उसने कलात्मकता डाली है, उसको सुंदर बनाने के चक्कर में क्या कर दिया, जो शुद्ध इतिहास था, जो शुद्ध ऐतिहासिक घटना थी, उसको हूबहू ना डाल के उसमें कुछ हेर फेर कर दिया। तो उससे क्या हो गई, वो शुद्ध नहीं रही जो इतिहास था वो। जबकि पाश्चात्य विद्वान या ऐतिहासिककार प्राय यथार्थवादी वस्तुपरक दृष्टिकोण अपनाने पर बल देते हैं। जो पाश्चात्य विद्वान रहे हैं या इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने इसमें कलात्मकता डालने का प्रयास नहीं किया, बल्कि जो था जैसा था वैसा ही दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया है कि इसमें हम जो इतिहास है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हेर फेर नहीं कर सकते। प्रमुख यूनानी विद्वान हीरोडोट्स, जिसका समय रहा है 465 से 545 ईस्वी पूर्व, इन्होंने इतिहास के चार लक्षण बताए हैं। हीरोडोट्स के अकॉर्डिंग इतिहास क्या है, एक वैज्ञानिक विधा है, इसकी पद्धति सदैव आलोचनात्मक होती है। दूसरा, यह है मानवीकी के अंतर्गत आता है, अतः मानव जाति से संबंधित है। इन्होंने कहा है कि जो इतिहास है वो वैज्ञानिक विधा है और आलोचनात्मक होती है, और इसका सीधा सीधा संबंध किससे होता है, मानव जाति से। तीसरे में इसने कहा है, तीसरे पॉइंट में, कि इसके तथ्य और निष्कर्ष कैसे होते हैं, प्रमाण पर आधारित होते हैं। यानी कि जो भी तथ्य, जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा और जो निष्कर्ष निकलेगा वो प्रमाणिक होंगे, और जो होगा वो अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है। यानी कि इतिहास में हम क्या देखते हैं कि पूर्व में क्या हुआ है और उसका वर्तमान में क्या चल रहा है और भविष्य में उसका क्या मतलब प्रभाव पड़ने वाला है। पाश्चात्य इतिहास दर्शन विकासवादी दृष्टिकोण को मान्यता देता है। यानी कि जो पाश्चात्य ऐतिहासिककार रहे हैं वो यथार्थवाद के साथ साथ क्या करते हैं कि विकासवाद को भी मान्यता देते हैं। जैसे डार्विन का विकासवाद प्राणी शास्त्र पर, मार्क्स का विकासवाद अर्थशास्त्र पर, और स्पेंसर का विकासवाद भौतिक शास्त्र पर लागू होता है। किंतु सत्य यह है कि भले ही कुछ लोग विकासवादी सिद्धांत के विरोधी हो, परंतु विकासवाद के बिना इतिहास की क्या होता है, इतिहास को समझा नहीं जा सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने का ये जो कोटेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है, चाहे फिर वो नेट के अकॉर्डिंग हो या फिर TCT PCT में। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो पंक्तियाँ ये किस लेखक ने कही हैं। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, और जनता की चित्तवृत्ति परिस्थितियों के अनुरूप बदलती रहती है, अतः साहित्य का इतिहास भी युगीन परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होता रहता है। यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि जो साहित्य का इतिहास है वो जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। यानी कि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, कैसी परिस्थितियों में रह रहा है वो, उसके अकॉर्डिंग वो किस तरह की चित्तवृत्ति अपना रहा है, किस तरह का वो रेस्पॉन्स दे रहा है, वही चीज़ है कि किस सिचुएशन में व्यक्ति ने कैसा बिहेव किया। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यही बात कही है कि जो साहित्य है वो जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। कई बार सिर्फ ये लाइन दे देंगे कि यह, या फिर राम इन निम्न में से रामचंद्र शुक्ल का कथन कौन सा है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, सिर्फ एक लाइन दे दी है, पूछ लेंगे कि यह है पंक्ति किस लेखक द्वारा कही गई है। ठीक है, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण सदैव आदर्श मूलक एवं अध्यात्मवादी रहा है, जबकि पाश्चात्य दृष्टिकोण वस्तुपरक और यथार्थवादी रहा है। वही बात आ गई है कि जो भारतीय रहे हैं उन्होंने आदर्श की और अध्यात्म की बात करी गई है, जबकि पाश्चात्य ने वस्तुपरकता और यथार्थवाद की, उसके साथ साथ विकासवाद की बात की गई है। इटालियन विद्वान विक्को, जिसका समय रहा है 1668 से 1744 ईस्वी, उनके अनुसार क्या है कि इतिहास का संबंध न अतीत से होता है न वर्तमान से, इतिहास का संबंध केवल मनुष्य से होता है, और मनुष्य चाहे किसी भी युग के हो, उनकी मूलभूत प्रवृत्तियां एक समान रहती हैं।
यानी कि इन्होंने कहा है कि इतिहास को हम कहते हैं ना कि अतीत का वर्णन है या फिर अतीत का लेखा जोखा है, नहीं नहीं इन्होंने कहा है कि जो इतिहास है वो अतीत से संबंधित नहीं है ना वर्तमान से, बल्कि इतिहास का सीधा सीधा संबंध किससे है, मनुष्य से है। फिर वह मनुष्य चाहे किसी भी युग का हो, प्राचीन का हो, वर्तमान का हो या भविष्य के बारे में कोई बात कर रहा हो, उसकी जो मूलभूत प्रवृत्तियां हैं वो कैसी रहती हैं, एक समान ही रहती हैं। ये किसने कहा है, विद्वान इटालियन विद्वान विको ने। और टिगल के अनुसार इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है अपितु उसके भीतर कर्म कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। तो टिगल ने कहा है कि जो इतिहास है वो घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन नहीं है, बल्कि उसके अंदर क्या होता है कि कारण कार्य कारण श्रृंखला होती है कि किस वक्त क्या क्या कार्य किए गए और वो जो कार्य थे या फिर जो रेस्पॉन्स वगैरह थे, जैसे लड़ाई वगैरह हुई है पीछे, क्रांति है, तो इसमें पूछा गया कि बताया गया है इतिहास में कि इसका कारण क्या रहा है, वो खोज है, कार्य कारण श्रृंखला विद्वान है इतिहास में, ये कहा है टिगल ने। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ और उसकी इतिहास लेखन की परंपरा के साथ ही प्रमुख जो प्राचीन इतिहास है उसके कुछ ग्रंथ। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।